Hello everyone, my name is Naman. Welcome back to another video, Weekly Tech News. First of all, I'm really sorry guys, मैं पिछले संडे को जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाया टेक न्यूज़ की, क्योंकि कुछ रीज़न के कारण मैं बिजी था और वो रीज़न मैं आप लोगों को बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। और गाइज, मेरा वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आज यानी कि ट्यूज़डे को ये वीडियो अपलोड करी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए पिछले हफ्ते की टेक न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ हमें Xiaomi की तरफ से मिल जाती है। Xiaomi नेक्स्ट वीक अपने Redmi 7A फ़ोन को लॉन्च कर रहा है इंडिया में। मैं आप लोगों को बता दूं, Redmi 7A एक बजट फ्रेंडली फ़ोन होने वाला है, क्योंकि उसी का एक सक्सेसर फ़ोन था Redmi 6 से, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चला था, क्योंकि बजट में आपको बहुत अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन वो दे रहा था। उसी के साथ साथ Redmi 7A जो है अब आ रहा है, इसका प्राइस जो है वही 6-7 हज़ार रुपये तक का होगा। अलग अलग वेरियंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन 6 हज़ार रुपये तक जो है इसका स्टार्टिंग हो जाएगी प्राइस की। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 439 मिलेगा, यानी कि Redmi 6A से जो है थोड़ा अच्छा स्नैपड्रैगन आपको इसमें मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसकी जो इंटरनल स्टोरेज वगैरह है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें आप मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर रहा है, 3 GB की रैम है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है, और इसमें आपको 13 MP का रियर कैमरा मिलेगा, 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो ये जो कैमरा सेगमेंट जो है वो बजट फ्रेंडली है, लेकिन काफ़ी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशन की तो Redmi 6A से काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक बजट फ्रेंडली फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये आप लोगों के लिए रहेगा। अगली न्यूज़ काफ़ी कमाल की है, क्योंकि Realme अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है इंडिया में, Realme X करके, और सीधा सीधा ये कंपटीशन होने वाला है Redmi K20 का। शायद इसीलिए इन दोनों को जो है एक साथ लॉन्च करा जा रहा है, ताकि अच्छा खासा कंपटीशन इंडिया में बैठे। मैं आप लोगों को बता दूं, Redmi K20 का प्राइस जो है वो 20 हज़ार तक रहेगा इंडिया में। उसी की तरीके से Realme X जो आने वाला है उसका भी प्राइस जो है वो 17-18 हज़ार रुपये के अंदर ही रहेगा। सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर ये दोनों फ़ोन आने वाले हैं। अगर मैं Realme X की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 710 वाला चिपसेट मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है आपको पॉपअप कैमरा सपोर्ट मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। पूरी स्पेसिफिकेशन जो है वो Redmi K20 के सेम टू सेम आपको मिल जाएगी। अब देखना होगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा इंडिया में चलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन जो है हमें कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज़ हमें गूगल की तरफ से मिल जाती है, और ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को पहले की कहानी बता देता हूँ। तो भाई, गूगल जो है अपने जब भी फ़ोन को लॉन्च करता था, गूगल पिक्सल 1 हुआ या 2 हुआ, उनके फ़ोन की जो इमेजेस होती थी वो लीक हो जाती थी। सिर्फ इमेजेस ही नहीं, पूरा का पूरा फ़ोन जो है वो लीक हो जाता था। लेकिन इस बार गूगल ने खुद ही जो है अपने फ़ोन को लीक नहीं किया है, रेंडर कर दिया है। उन्होंने जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे एक कुछ इमेजेज, ऑफिशियल इमेजेस जो है गूगल पिक्सल 4 की डाल दिए, और उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो इमेजेस हैं वो ऑफिशियल रेंडर इमेजेस हैं गूगल पिक्सल 4 की, जो कि अक्टूबर में रिलीज हो सकता है। तो गाइस, गूगल ने इस बार खुद ही अपनी जो है फ़ोन की इमेजेस बता दी, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है शायद अपने कंपनी वालों पे या फिर लोगों पे कि भाई इमेजेस जो है वो लीक होनी है, इसलिए उन्होंने पहले ही जो है ट्विटर के थ्रू बता दिया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 3-4 कलर उन्होंने बताए हैं। अभी जो 3 कलर बताए हैं वो ब्लैक, वाइट और थोड़ा सा लाइट ब्लू टाइप का जो कलर आपको देखने मिल जाता है। काफी इंटरेस्टिंग फोन होगा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्रिपल कैमरा या डुअल कैमरा, अभी कैमरा जो है क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन जो है एक कैमरा से ज्यादा जो है गूगल पिक्सल इस बार ले रहा है। अब देखना पड़ेगा कि भाई एक ही कैमरा में वो कमाल कर देता था, लेकिन अब 2-3 कैमरा यूज करके वो क्या करता है। तो बहुत ही जल्दी जो है गूगल पिक्सल 4 हमें देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज हमें Xiaomi की तरफ से मिल जाती है। तो गाइस, Xiaomi जो है अपनी एक नई सीरीज को लॉन्च कर रहा है। उस सीरीज का नाम उन्होंने CC रखा है, MICC, और इस सीरीज का पहला जो फोन है वो MICC 9 जो है आज ही चाइना में लॉन्च होने वाला है। अभी इंडिया में कब लॉन्च होगा उसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ये फ़ोन को जो है यूथ के लिए ज़्यादा माना गया है, क्योंकि आपको स्पेसिफिकेशन इसमें अच्छी खासी मिल जाएगी, वो भी बजट में ये फ़ोन जो है चाइना के अंदर लॉन्च करेगा। जैसे इसमें आपको 710 का चिपसेट मिलेगा, उसके साथ साथ 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, फुल स्क्रीन डिस्प्ले होगा, पॉपअप कैमरा के साथ ही आएगा। तो ऐसी जो स्पेसिफिकेशन है वो यंग जनरेशन के लिए दिए है, और इसका जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि इसका जो लुक एंड फील है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, ग्रेडियंट कलर में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये अभी फोन चाइना के अंदर रिलीज हुआ है, लेकिन ऐसा सुना गया है कि इंडिया में भी ये फोन जो है काफी जल्दी हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन फोनों की जो है इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये जो है फोन हमें इंडिया में कभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की, और वो हमें मिल जाती है PUBG की तरफ से। तो गाइस, PUBG लाइट जो है वो इंडिया में 4 जुलाई से बीटा वर्जन उसका लॉन्च होने वाला है। तो गाइस, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता है कि PUBG लाइट क्या है, मैं बता देता हूँ। PUBG लाइट एक लाइट वर्जन है PUBG PC का। PUBG PC एक बहुत ज़्यादा ही हाई ग्राफिकल गेम है और बहुत ज़्यादा साइज़ का है। उसी को एक स्मॉल वर्जन में बनाने के लिए PUBG वालों ने एक लाइट वर्जन निकाला है PUBG लाइट करके। बाकी की कंट्रीज़ में जो है ये गेम ऑलरेडी लॉन्च
लॉन्च हो चुका था लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, तो इसका 4 जुलाई से बीटा वर्जन जो है मिल जाएगा और आप जो है इसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में खेल सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप की कम स्पेसिफिकेशन है तब भी ये गेम आराम से चल जाएगा। अगर आपको ये डाउनलोड करना है गेम तो मैं इसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस गेम को कल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है और पबजी से रिलेटेड ही है। तो भाई महाराष्ट्र में एक जगह 15 साल के एक लड़के ने अपने बड़े भाई का जो है मर्डर कर दिया, और उसका रीज़न ये है कि वो अपने छोटे भाई को मना कर रहा था पबजी खेलने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पबजी खेल रहा था, तो इसमें गुस्सा में आकर उसने जो है अपने बड़े भाई का ही मर्डर कर दिया। तो गाइज़ ये जो एक न्यूज़ है, मतलब लाइक जब मैंने सुना इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा शॉक लगा क्योंकि एक नॉर्मल गेम के कारण ऐसा हो रहा है, और ये ऐसा पहली बार ऐसा इंडिया में नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे केसेस और भी है, तो शायद ये एक रीजन है जो अलग अलग स्टेट्स अपने लाइक गेम को पबजी गेम को बंद करता जा रहा है, बैन करता जा रहा है। तो गाइस मेरी तो सिर्फ आप लोगों से लाइक मैं आप लोगों को रोक नहीं सकता खेलने से, मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस गेम को सिर्फ और सिर्फ गेम्स ही लेकर चलें, ऐसा नहीं बिल्कुल सीरियस होकर आप बिल्कुल ना करें, अपनी पढ़ाई वगैरह पे भी ध्यान दें, थोड़ा बहुत खेलें और बाकी भी काम पे ध्यान दें, बस मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगली न्यूज़ हमें पतंजलि की तरफ से मिल जाती है। तो गाइस पतंजलि का एक मैसेजिंग ऐप केम्बो करके जो है बहुत ही ज़्यादा लाइक लाइमलाइट में था कि भाई एक इंडियन मैसेजिंग ऐप जो है वो पतंजलि लेकर आ रहा है, और ये बात सही थी, उन्होंने प्ले स्टोर पे भी इसको डाला था लेकिन वो चल नहीं पाया था। उसका रीज़न ये था, प्ले स्टोर का हटाने का रीज़न ये था कि भाई प्राइवेसी के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, क्योंकि अगर आप चैट वगैरह करते हो तो आपकी प्राइवेसी लाइक वो आराम से हैक हो जाता था, इसलिए उस ऐप को जो है हटा दिया था। तो यही रीज़न अभी भी ऐसा माना गया है कि जब उसको डाला गया तो यही रीज़न जो है प्ले स्टोर की तरफ से बताया गया, और इस ऐप को फिर से हटा दिया गया है। तो उनके जो केम्बो के जो ऐप डायरेक्टर हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि इस गेम को फिर से रीडिज़ाइन करा जा रहा है और बहुत ही जल्द जो है ये प्ले स्टोर पर डाल दिया जाएगा फुल ऑन सिक्योरिटी के साथ। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये आने से पहले ही 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, तो अब ये इस तरीके की ऐप आप यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, भले ही इंडिया की है लेकिन आपकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर ये ऐप आती है तो आप इसको एज अ मैसेजिंग ऐप यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। अगली न्यूज़ हमें इंस्टाग्राम की तरफ से मिल जाती है। तो गाइस इंस्टाग्राम जो है एक नए अपडेट पे काम कर रहा है, वो अपडेट इस तरीके से है कि आपके एक्सप्लोरर में भी जो है अब आपको ऐड देखने को मिल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट आपके एक्सप्लोरर में भी देखने को मिलेंगे। तो भाई ये एक तरीके से अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। बुरी बात उन लोगों के लिए जो नॉर्मल यूज़ करते हैं क्योंकि ऐड को देख के क्या करेंगे, क्योंकि एक्सप्लोरर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ऐड नहीं मिलते थे। अगर आप नॉर्मल फीड वगैरह अपना चेक कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ऐड देखने को मिल जाते थे लेकिन एक्सप्लोरर में नहीं मिलते थे, बट अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगा तो आपको एक्सप्लोरर में भी ऐड देखने को मिल जाएंगे। तो अब ये किस तरीके से काम करेगा, ये हमें बग करेगा या फिर नॉर्मल ही जिस तरीके से हम इंस्टाग्राम चला रहे उसी तरीके से काम करेगा, वो अब अपडेट आने पे जो है हमें पता पड़ जाएगा। आईफोन की तरफ से हमें अगली न्यूज़ मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ मुझे लगी है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी आईफोन लेकर आने वाला है बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। मैं आप लोगों को बता दूं, आईफोन जो है अब आपके पैट को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, डॉग या कैट इन दोनों में से जो भी होगा आपका फ़ोन जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ये गूगल लेंस बहुत पहले से कर चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं गूगल लेंस ये रिकॉग्नाइज करता है कि वो कौन सा जो है एनिमल है, डॉग है या कैट है, लेकिन आईफोन इस तरीके के रिकॉग्नाइजेशन पे काम कर रहा है कि वो आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर जो एनिमल है वो इस इंसान का है, लाइक इसका पेट है या इसका जो भी नाम होगा वो बिल्कुल जिस तरीके से एक ह्यूमन को रिकॉग्नाइज करता है उसी तरीके से जो है आपके डॉग को भी रिकॉग्नाइज करेगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि अगर जब आपका फेस होता है, जब आप उसको स्क्रीन लॉक करते हैं और स्क्रीन लॉक पर जब अपने फेस अनलॉक करते हैं तो आपके फेस से ही वो जो है स्क्रीन लॉक ओपन होता है, उसी तरीके से अगर आप अपने डॉग का स्क्रीन लॉक लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं, तो आपके डॉग के फेस लॉक से ही जो है आपका फ़ोन अनलॉक होगा। आई नो ऐसा कोई नहीं करने वाला है, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो गाइस इस हफ्ते की टेक न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को इस हफ्ते की टेक न्यूज़ इंटरेस्टिंग लगी हो। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टेक न्यूज़ जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि भाई लोग बाग कौन सी टेक न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी टेक न्यूज़ जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, आप नोटिफिकेशन के जो एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आपको हर संडे को नोटिफाई कर सकूं मेरी टेक न्यूज़ से रिलेटेड कि भाई हमारी टेक न्यूज़ आ चुकी है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।